हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स चैनल में आप लोगों का सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। बच्चों, अपन जो अभी सीरीज लेकर के आए हैं, बिल्कुल क्रैश कोर्स चल रहा है। इस क्रैश कोर्स के अंदर अपन लेक्चर नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। इंटीग्रेशन का छोटे छोटे फॉर्मेट में कंसेप्ट वाइज अपन ने लेक्चर्स को डाले गए। तो बेटा, गो थ्रू द पूरा का पूरा बहुत अच्छे से, गो थ्रू फुल चैप्टर इन अ प्रॉपर। हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखना। बोर्ड के अंदर अगर 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है तो डेफिनेटली इससे बढ़िया बात आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके चैनल के अंदर आप लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। कोई डाउट हो तो डिस्कस किया जा सकता है और आप अपने नंबर्स को और अपने रैंक्स को बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस मैसेल डॉक्टर गौरव जी। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं एक स्पेशल इंटीग्रल जो अपन ने पहले भी पढ़ा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मेट वाला, बट वो अपन ने डिनोमिनेटर में पढ़ा था। आज अपन उस इंटीग्रल को न्यूमिनेटर में पढ़ेंगे और उसके रेस्पेक्ट में फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे लगाना है उसको भी मैं डिस्कस करके बताऊंगा, कौन सी ट्रिक उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टिल एंड तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जरूर बताइएगा, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स आपके पास है जो अपने यहाँ पर काम आएंगे। सबसे पहली बात, हमारा पूरा इंटीग्रेशन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड है। मोस्ट प्रोबेबली अपन सेकंड अगला जो पार्ट लाने वाले हैं वो बाय पार्ट का लाएंगे एंड देन फिर पार्शियल फ्रैक्शन और एक एक्सपोनेंशियल वाली सीरीज बचेगी। मुश्किल 3 to 4 लेक्चर्स में अपन इसको फिनिश अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2022 वाले और 23 वाले बच्चे दोनों के लिए बहुत ज्यादा बूस्टअप वाला कोर्स चल रहा है, तो इसको अच्छे से ज्वाइन करके काम करें। तो बेटा, सम इंटीग्रल फॉर इंटीग्रल्स के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज आपके पास कौन कौन से ये हैं। अब कई बच्चे इसके अंदर ऊपर नीचे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा, आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो चाहे ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, दोनों के अंदर लॉग का फॉर्मूला लगता है। दोनों में किसका लगता है? लॉग। अगर नहीं याद हो तो पहले अपन ने जो इंटीग्रल के फॉर्मूले पढ़े थे 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला डिस्कस कर लेना, जिसको आपने बताया था लॉग एक्स प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का कितना एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, उसी को यूज किया गया, बाकी आगे का हिस्सा सबका सेम है। एक्स बाई टू जो है वो का वही रख दो, जैसा दिखाई दे रहा है पहले, तो इस तरीके से आप लर्न अप कर सकते हो। दूसरी बात, आपको पता है जब कभी बीच में माइनस का आता है तो एक्स की जगह प्लेस करते हो बेटा ए साइन ऑफ कितना थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। तो याद रखना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो आप उसके अंदर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो ये पीछे वाला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, कि जब भी कभी मैंने बताया दो चीजों के बीच में अगर माइनस होता है तो आप लोग पुट करते हो ए साइन ऑफ थीटा, तो डेफिनेटली साइन का फॉर्मूला यहाँ बनेगा साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू आपके पास बिल्कुल प्रॉपर है। बाकी ये पहले और आखिरी वाले के अंदर लॉग का एक्सप्रेशन चलता है और अंदर वाला रायता बिल्कुल वैसे ढुलता है जैसे एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। सिमिलरली जैसा होगा वैसा का वैसा ढुलेगा, यहाँ पर जो है वो का वो यहाँ दिखेगा और यहाँ पर जो है वो का वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो सिक्वेंस फॉर्मेट में इन चीज़ों को रिमेम्बराइज कर लेना, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। पहले वाले में माइनस आता है, बाकी अगले दोनों में कॉस वो प्लस प्लस आता है। याद रखना माइनस की टर्म पहले, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस वाला पहले आएगा, उसके बाद जो प्लस वाले हैं वो तो आपके अपने आप ही बन जाएंगे और ये तो साइन का है, साइन में तो माइनस आता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखना कि क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करना है। इसके अंदर कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ आपको बनाने होते हैं। जो बनाने होंगे उनको कैसे बनाएंगे और कैसे करेंगे उन सब चीज़ों को अपन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेट्स सी, बिल्कुल आसान पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे क्या कह रहा है इंटीग्रल। क्या कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। इंटीग्रल 1 अपॉन में कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 2x प्लस का कितना 5 और ये कितना dx। ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और बताओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर। पहली बात, फर्स्ट द थिंग, क्या करें? हाँ, आपको लग रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर लग सकता है, तो डेफिनेटली कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 2x, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 2, इसके आधे का होल स्क्वायर जोड़ा और आधे का होल स्क्वायर घटाया, प्लस का कितना 5, ऐड किया एंड सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा बच्चा कितना एक्स प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर और प्लस का कितना 4, मतलब प्लस का कितने 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये dx कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या कर दें? अच्छा, सॉरी, ये मैंने पहले वाला ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको भी डिटेल डिस्कस कर देता हूँ। इसका आया था आपके पास log x, x कौन है ये पूरा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का कितना ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना ए स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर। सिमिलरली बेटा यही क्वेश्चन, अगर ये तो आपको मैंने पहले वाले टेक्निक से बता दिया, यही क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे आ जाए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 2x प्लस का 5 आ जाए और ये कितना dx, तो आपको करना बिल्कुल ऐसे कैसे, अंडर रूट
जो काम आप पहले इस फॉर्मेट में कर रहे थे, इसलिए मैंने पहले ये वाली फॉर्मेट आपको बता दी। तो ये कहिए आप कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे, यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का कितना है टू स्क्वायर, और ये कितना डी एक्स। फॉर्मेट क्या, x बाई टू, x कौन है ये x बाई टू। अगला x बाई टू फॉर्मूला देख लो ध्यान से कैसे लगता है, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना ए स्क्वायर टाइप ऑफ। तो x बाई टू अंडर रूट में अंदर का पूरा एज इट इज प्लेस कर दो बेटा जैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का कितना फाइव, इसको भी लिखोगे तो भी चलेगा, उसको सिंप्लीफाइड करोगे तो अपने आप ये वाली फॉर्म बन जाएगी। प्लस में कितना बेटा ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू लॉग वही ऊपर वाला एक्स प्लस का बेटा अंडर रूट, वही अंदर वाली चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का कितना फाइव प्लस का कॉन्स्टेंट कितना सी, इसको टू टाइम्स कट कर देना, दैट्स मच इज द आंसर। क्या ये बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है, क्या बिल्कुल पहले जैसे, वैसे जैसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर अपॉन में बनाते थे वैसे यहाँ पर बना रहे। ओके आई थिंक सो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले वाले से कंपेयर करके आपको बता दिया है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो जैसे पहले करते थे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ बेटा सेवन एक्स माइनस का टेन, माइनस का कितना बेटा एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना डी एक्स, यहाँ कितना आपका डी एक्स, क्या करें वही सेम काम जो अपन पहले करते हुए आए। पहले तो बेटा एक्स स्क्वायर को फ्री करो, एक्स स्क्वायर के साथ ना तो माइनस आना चाहिए ना ही कोई कोफिशियंट आना चाहिए, तो पहले आपने सेम एक्स स्क्वायर को फ्री कर लिया, ये आपका इस तरीके की फॉर्मेट बन गया। अब इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ, इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ आपका सेम जो आप यूज करते हुए वो का वो यूज करोगे, जस्ट होल्ड ऑन बस एक सेकेंड, ठीक है बिल्कुल कोई इशू नहीं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस का कितना टेन आप यूज करना चाहते हो, तो बेटा यहाँ पर आपने फॉर्मेट बनाए, पेन का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, बनाया फॉर्मेट कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना बेटा सेवन एक्स, एक्स का कोफिशियंट कौन है, एक्स का कोफिशियंट कौन है सेवन, इसका आधा कितना सेवन बाय टू का होल स्क्वायर ऐड किया और सेवन बाय टू का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया, प्लस का कितना टेन और यहाँ कितना डी एक्स, यहाँ कितना डी एक्स, इज इट क्लियर, ये आपका पूरा इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ ये माइनस के साथ, बेटा इसको क्या लिख दोगे एक्स माइनस के सेवन बाय टू का कितना होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन और टू टू जा कितना फोर प्लस का कितना टेन और यहाँ कितना डी एक्स, इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ फोर्टी कितना आएगा फोर्टी 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 नाइन सेवन, तो माइनस का सेवन अपॉन फोर आएगा नहीं और फोर्टी नाइन अपॉन फोर आएगा, फोर्टी नाइन में से नाइन बचेंगे ना अपने पास, फोर्टी चले जाएंगे एलसीएम ले लो, माइनस का फोर्टी नाइन बाय कितना फोर प्लस का कितना टेन, तो माइनस का बेटा कितना फोर्टी नाइन प्लस का फोर्टी बाय कितना फोर, तो कितने बचे माइनस का नाइन बचा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस का सेवन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस का कितना नाइन बाय कितना फोर और यहाँ कितना डी एक्स, इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ, इसको लिख देंगे बेटा थ्री बाय टू को आगे ले लिया, माइनस को वापस अंदर भेजना है बाहर मत रखना, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी मत लगाना, एक्स माइनस सेवन बाय टू का कितना होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद करो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का होता है क्योंकि एक्स की जगह आप पुट करते थे साइन, तो आगे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स बाय टू x by 2 under the root of same पूरा का पूरा जो आपके पास है 7x minus का 10 minus का कितना x square plus a square by 2 a square by कितना 2 sin inverse x minus का 7 by 2 x by a मतलब कितना 3 by 2, तो बेटा ये हो जाएगा 2x minus का 7 upon 2 2 जा कितना 4, ये 2 भी नीचे आ गया, अंडर द रूट ऑफ सेवन एक्स माइनस का कितना टेन माइनस का कितना एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाय फोर टू जै कितना हो गया एट, साइन इनवर्स टू एक्स माइनस का सेवन अपॉन टू और टू कट जाएगा थ्री प्लस का कॉन्स्टेंट सी, दैट इज द आंसर। ओके आया समझ, बिल्कुल ईजी है बच्चों, जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, कैसे ना कैसे करके आएगा यार, सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है, जैसे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना दोगे आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो लेट सीधा अनदर वन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, फोर एक्स स्क्वायर के साथ कौन आ रहा है, फोर आ रहा है, पहले इसको लात मार दो बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, अरे ये तो सर आपने बिल्कुल ही लल्लू ले लिया है लल्लू लाल, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, इसको लिख दोगे बेटा कितना थ्री बाय टू का कितना होल स्क्वायर और ये कितना डी एक्स, या सुन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी प्लस का तो फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा, एक्स बाई टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब वही फोर एक्स स्क्वायर प्लस का कितना नाइन
प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 9/4 प्लस का कॉन्स्टेंट कितना 6। इज इट ओके? क्या बातें समझ में आ रही है आपको अच्छे से? तो यहाँ पर कर दोगे, इसके अंदर कर दोगे, चिपका दोगे, खींच के रिपट, नहीं 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 प्यार से। तो ये कितना आपका 4 भी तो आएगा, यहाँ पर 4 भी लिख देना, रूट के बाहर निकाल दो, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स बाय टू अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस का कितना 9 प्लस इस 2 से ये वाला 2 भी रवा दवा हो जाएगा, 9 बाय कितना 4 लॉग के साथ, ये हो जाएगा बेटा 2x, एलसीएम 4 का बाहर निकालूंगा तो 2x उधर गया, अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस का कितना 9 प्लस का कॉन्स्टेंट कितना 6। इज इट ओके? क्या बात समझ आ रही है सबको? यस और नो, यस और नो, हाँ कि ना, डन। चलो एक टू तो कैंसिल आउट हो गई आपका बाहर वाले से। इस तरीके से आपकी सीक्वेंस क्या हो जाती है बच्चों, पूरी तैयार हो जाती है, लॉक कर दिया जाए। चलो लेट सी द अनदर वन, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या करना है और किस हिसाब से। ओके चलो ऑब्जर्व करना बेटा बहुत अच्छे से, कैसे करना है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस के लॉग एक्स का कितना होल स्क्वायर बाय कितना एक्स और ये कितना डी एक्स, इसको करना। तो अभी x तो जबरदस्ती का आ रहा है तो पहले इस log x को ही टूपुट करो, 1 अपॉन x dx आपका कितना आ जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस का बच्चा कितना t स्क्वायर और ये कितना dt, इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस का कितना t स्क्वायर और ये कितना dt, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फॉर्मूला फॉर्मूला x बाय 2 अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस का टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का कितना ए स्क्वायर प्लस का कॉन्स्टेंट कितना 2 8 जा कितना 16। टी की वैल्यू प्लेस कर दो बेटा कितना लॉग एक्स बाय कितना 2 अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस के लॉग एक्स का क्या होल स्क्वायर प्लस का कितना 8 और ये कितना लॉग t की जगह कितना रखना है बच्चों log x प्लस का अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस के log x का क्या होल स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट कितना, दैट इज द आंसर। ओके आ रहा है, बिल्कुल इजी है, आ जाएगा, कैसे कोई फॉर्मेशन नहीं है जो नहीं आती। इसमें थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है जो मैं अब करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बिल्कुल डिफरेंट। अगर गंदा पेपर आता है तो ये डिफरेंट क्वेश्चन आता ही आता है। इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का कितना रूट एक्स अपॉन 1 प्लस का कितना रूट एक्स और ये कितना dx, ये कितना dx, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो रूट दिक्कत दे रहा है, गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है। तो x की जगह सिंपल पहले तो t स्क्वायर प्लेस करो, इसको हटाते हैं फिर बाकी की बातें करते हैं। पहले तो इस रूट को हटाते हैं फिर बाकी की बातें करते हैं। तो आपने किया dx इक्वल टू कितना जगह बेटा 2t और ये कितना dt। तो इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का सिर्फ t और ये 1 प्लस का सिर्फ t, dx की जगह लिखोगे 2t और ये कितना लिखोगे dt। तो बेटा आपका 2 बाहर, इंटीग्रेशन ये t बचा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का t और ये कितना 1 प्लस का कितना t और यहाँ कितना dt। यस अब क्या कर दे बच्चा, 1 माइनस t से ऊपर और 1 माइनस t से नीचे, तो 2 इंटीग्रेशन, ताकि ऊपर का रूट तो गायब हो जाए, क्योंकि ऊपर का रूट अगर गायब हो गया तो मुझे क्वेश्चन को करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अंडर द रूट a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का कितना हो गया बी स्क्वायर। अब आप कर दोगे 2 इंटीग्रेशन ये t के साथ अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर को अलग और माइनस का इंटीग्रेशन इस टी स्क्वायर के साथ अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर को बिल्कुल अलग, ये पैटर्न क्वेश्चन। बोलो कोई दिक्कत आ रही है? आया ऑब्जर्व कर लो एक बार, कोई दिक्कत आ रही हो तो पॉज करके अब ट्राई कर लो तुम लोग। अब तुम लोगों से हो जाएगा ये 2 आपका बेटा होल सोल से बाहर था, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट बड़ा वाला लगा देता हूँ ताकि दोनों कंप्लीट हो जाए। तो ये 2 इस वाले को 1 माइनस टी स्क्वायर को आपने यू मान लिया, तो माइनस का 2t dt इक्वल टू कितना आ गया बच्चा du। तो t dt की जगह लिख देना माइनस का कितना du अपॉन में कितना, तो आपने रख दिया इंटीग्रेशन माइनस का कितना du अपॉन में कितना 2 और ये रूट में कितना u माइनस। इसके अंदर क्या करें बेटा, जैसे नीचे होता है वैसे बनाते हैं, तो इसको प्लस करके माइनस साइन इधर कर दिए, अगर पावर सेम होती है तो 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, समझ गए। पहले तो प्लस को अंदर माइनस को अंदर भेजा क्योंकि टी स्क्वायर के आगे क्या है माइनस का साइन है, फिर 1 ऐड कर दिया और 1 सेपरेट कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट एक्स
रूट वन माइनस का कितना टी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर डी टी, और माइनस का वन अपॉन, तो माइनस का इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस का टी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी। देखो तीन फॉर्मूले एक साथ लग गए, तीन पैटर्न एक साथ लग गए। तो टू माइनस का कितना बेटा वन बाय टू, यू की पावर माइनस वन बाय टू करके ऊपर, तो यू की पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन, माइनस वन बाय टू प्लस वन कर दिया। इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया एक्स बाय टू अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स और ये कितना टी, ये डायरेक्टली आपका साइन इनवर्स और ये टी बन जाएगा टी बाय वन प्लस का कॉन्स्टेंट कितना सी। ठीक है बेटा इस टू से ये टू उड़ा दो, उड़ा दिया, उड़ा दिया तुमने जो दिल को, है ना। अब यहाँ पर वन माइनस यू की वैल्यू पुट कर दो बेटा कितना टी स्क्वायर, यू वन अंडर रूट वन माइनस का टी स्क्वायर रूट की वैल्यू यस प्लस टी की जगह, टी की जगह कितना इसको अंदर अंडर रूट टी 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 कौन है भैया, टी की वैल्यू रूट एक्स, टी की वैल्यू कितनी रूट एक्स बाय कितना टू अंडर रूट वन माइनस का कितना एक्स टी स्क्वायर की जगह, टी स्क्वायर की जगह एक्स प्लस वन बाय टू साइन इनवर्स टी की जगह रूट एक्स, टी की जगह कितना रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। बेटा आधे में से एक जाएगा तो आधा बचेगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, इस टू को उधर भेजा, टू में से बन गया तो माइनस का वन, सिर्फ माइनस साइन लगाना है ताकि एक स्टेप और कम हो जाएगी आपकी, तो ये माइनस साइन लगा दो बस, उसके बाद तो आपको मिल ही जाएगा ये माइनस का और ये प्लस का कॉन्स्टेंट सी। टी की जगह रूट एक्स पुट कर देना बेटा, टू माइनस का अंडर रूट वन माइनस का कितना एक्स प्लस का रूट एक्स बाय कितना टू रूट वन माइनस का कितना एक्स माइनस का वन बाय टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट कितना सी। इज दिस द आंसर, आया बिल्कुल ईजीएस था। तीन फॉर्मूले देखो एक ही क्वेश्चन में लग रहे हैं, एक दो और ये कितना तीन, सब्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो सच्चे लग रहा है। कॉमन वाली चीज़ें जो होती है वो बेटा बहुत अच्छे से हर जगह प्लेस हो जाती है, आपको सिर्फ लगाना ढंग से आना चाहिए। ठीक है चलो आज मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन कराता हूँ, लेट्स सी आप लोग कितना फोड़ पाते हो। पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन, पुरानी चीज़ें धीरे धीरे रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर ऐसे आ जाए तो क्या करा जाए, अगर ऐसे आपकी फॉर्मेशन आ जाए तो क्या करें एक्स के साथ, बोलो एक दो तीन चार पांच हो गया होगा, पॉज द वीडियो। देखो बेटा ये वही पी एक्स प्लस क्यू वाली फॉर्मेट है, एक्स इक्वल्स टू, मैं मिक्स भी करा देता हूँ कभी कभी ताकि तुमको पुरानी चीजें भी रिवाइज हो जाए। लेमडा टाइम्स में ऊपर वाले का डिफरेंशियल वन माइनस का कितना टू एक्स, वन का जीरो एक्स का वन और माइनस का टू एक्स प्लस का कितना हो गया म्यू, तो बच्चा लेमडा प्लस का म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया जीरो, माइनस का टू लेमडा एक्स के साथ इक्वल्स टू कितना वन, तो लेमडा की वैल्यू आ गई बेटा कितनी माइनस का वन बाय टू, डाल दो एक्स इक्वल्स टू लेमडा की वैल्यू माइनस का वन बाय टू, वन माइनस का कितना टू एक्स, म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू वन बाय टू आ जाएगी बेटा, क्यों, क्योंकि वो माइनस ऑफ लेमडा है, तो ये कितना आ गया वन बाय टू। ठीक इंटीग्रेशन माइनस का वन बाय टू, वन माइनस का कितना टू एक्स प्लस का कितना बेटा वन बाय टू, और ये पूरा का पूरा अंडर द रूट ऑफ वन प्लस का एक्स माइनस का कितना एक्स स्क्वायर और ये कितना डी, अलग अलग कर लो बेटा, माइनस का वन बाय टू अलग, इंटीग्रेशन वन माइनस का कितना बेटा टू एक्स अंडर द रूट ऑफ वन प्लस का एक्स माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, ये टर्म अलग कर लो। सिमिलरली प्लस का ये वन बाय टू और ये रूट में, इसका माइनस साइन कॉमन ले लिया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का वन फॉर्मेशन बनाऊंगा मैं इसके अंदर और काम करूँगा, माइनस का कितना वन बाय टू, इसके अंदर वन प्लस का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, वन माइनस का कितना टू एक्स और ये कितना बचा डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, तो वन माइनस टू एक्स तो डी टी में चला गया, डी एक्स के साथ क्या बचा रूट में सिर्फ टी और ये कितना डी टी, प्लस का ये वन बाय टू इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ, इसमें वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना एक्स, एक्स का कोफिशियंट है वन, इसके आधे का होल स्क्वायर ऐड किया और आधे का होल स्क्वायर क्या किया सबट्रैक्ट किया, माइनस का कितना वन और ये कितना डी एक्स, माइनस का कितना वन बाय टू, टी की पावर वन बाय टू का इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाय टू प्लस वन और वन बाय टू प्लस का प्लस वन बाय टू, प्लस का कितना बेटा वन बाय टू, ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर तैयार हो रहा है आपका माइनस के साथ, इसको लिख दिया एक्स माइनस के वन बाय टू का होल स्क्वायर और ये वन बाय फोर माइनस का वन फाइव बाय फोर, तो रूट फाइव बाय टू का कितना होल स्क्वायर, माइनस का वन बाय टू और माइनस का वन रूट फाइव बाय फोर का होल टू का होल स्क्वायर डी एक्स। इस टू से ये टू काट दो
माइनस का कितना 1/3, टी कौन है भाई, टी कौन है, 1 प्लस का एक्स माइनस का कितना एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, प्लस का बेटा कितना 1/2, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ, इसको लिखा √5/2 का कितना होल स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस के 1/2 का कितना होल स्क्वायर ओवर डी एक्स, बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज चलेगा, 1 प्लस का एक्स माइनस का कितना बेटा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसके लिए कर दो 1/2 तो बाहर, और यहाँ एक्स बाय कितना 2 अंडर द रूट ऑफ √5/2 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, और आगे हाँ एक्स साइन इनवर्स वाला ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, कहाँ करूँ ऊपर का रब कर देता हूँ, चलो ऊपर का इरेज करता हूँ, ये वाला पार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, यस ओ नो कर देते हैं, हाँ कॉपी तो कर ही लिया होगा, चलो तो अब आपने इसको यहाँ पर प्लेस किया बेटा, इस पूरे को नीचे वाली जो पूरी स्टेप है ना इसी को कर रहा हूँ ध्यान से, है ना, यहाँ से हटा क्या आया माइनस का कितना 1/3, 1 प्लस का एक्स माइनस का कितना एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2, प्लस का बेटा कितना 1/2, अंदर लेके जाओगे एक्स बाय टू अंडर द रूट ऑफ 5/4, √5/2 का 5/4 माइनस का एक्स माइनस के 1/2 का कितना होल स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाय कितना टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कितना ए एक्स बाय कितना ए प्लस का कांस्टेंट कितना सी, इज इट डन, आगे बात समझ, चलो आई थिंक सो आई गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं थी, तो बेटा माइनस का 1/3, 1 प्लस का एक्स माइनस का कितना एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसके लिए करेंगे काम 2x, ये 1/2 तो होल सोल का बाहर, ये 2x माइनस का 1 नीचे वाला कट गया, अंडर द रूट ऑफ ये कितना आएगा बेटा 5 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 ये रहा 2, प्लस का 5/4 टू जा कितना 8, साइन इनवर्स 2x माइनस का 1 अपॉन में कितना √5 प्लस का सी, दैट इज द आंसर, इज इट ओके, सॉल्व करके रख देंगे, इसको वापस से बेटा वही रख देना कौन 1 प्लस एक्स माइनस का कितना एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके लिए आंसर आपको पूरा मिल जाएगा, क्लियर, तो ये आपके पास एक वही पैटर्न था जो आपके पास पहले था, इसके अंदर आपका मिक्स जाएगा, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सेम पैटर्न का, ध्यान से देखना, चलो कर लेते हैं यहीं पर ही इसी के अंदर करते हैं, नहीं तो फिर वो क्यों लिया जाए, मुझे लगता है एक और करा देना चाहिए ताकि तुम्हारा और कमांड हो जाए, देखो बेटा कहाँ गए, यहाँ आ गए, करंट स्लाइड, वन मोर क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन, आई थिंक सो रेड कलर थोड़ा सा कम विजिबल होता है, व्हाइट कलर बिल्कुल प्रॉपर है, इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, एक्स प्लस का कितना 1 और √1 माइनस का एक्स माइनस का कितना एक्स स्क्वायर और ये कितना dx, तो बेटा पहले की तरह करो एक्स प्लस का 1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 एक्स का माइनस 1 माइनस का कितना 2x प्लस का कितना म्यू, तो यहाँ से एक्स का कोफिशियंट है 1 इक्वल टू एक्स का कोफिशियंट है बेटा माइनस का कितना 2 लेमडा प्लस का कितना म्यू, दूसरा कॉन्स्टेंट वाला माइनस का लेमडा प्लस का कितना म्यू, अरे नहीं 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 माइनस का लेमडा ओनली, एक सेकेंड आई थिंक इक्वेशन थोड़ी दोबारा बनाते हैं बेटा, एक्स का कोफिशन कंपेयर कर लो, एक्स का कोफिशन है 1 है, यहाँ एक्स का कोफिशन कितना सिर्फ माइनस का कितना 2 लेमडा, तो लेमडा की जगह आ गया था माइनस का कितना 1/2, दूसरा 1 इक्वल टू माइनस का लेमडा प्लस का कितना म्यू, 1 इक्वल टू माइनस का तो 1/2 प्लस का कितना म्यू, तो म्यू की वैल्यू भी आपकी आ गई 1 माइनस का 1/2 डेट इज 1/2, अब आप यहाँ रखो एक्स प्लस का 1 इक्वल टू लेमडा की जगह रखोगे बेटा माइनस का कितना 1/2 माइनस का 1 माइनस का कितना 2x प्लस का कितना 1/2 तो ये 1/2, बस अब आप प्लेस करोगे इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 की जगह ये माइनस का 1/2 माइनस 1 माइनस का कितना 2x
प्लस का बीटा कितना 1/2, और यहाँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, और ये कितना dx. सेपरेट बोथ द टर्म्स, सेपरेट करेंगे तो माइनस का 1/2 आपका बाहर, इंटीग्रेशन माइनस 1 माइनस का कितना 2x, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस का एक्स माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, प्लस का कितना बेटा 1/2, और ये dx भी है 1/2, इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, और ये कितना dx. शुरू करें, अंदर वाले को टी पुट करते हैं, इस वाले को टी पुट करते हैं, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर को टी डाला पहले वाले के अंदर, माइनस का 1 माइनस का 2x, और ये कितना dx इक्वल टू कितना आ गया dt. तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन इसकी जगह और इसकी जगह इसकी यहाँ लिख देंगे रूट टी, और ये कितना dt, प्लस का ये 1/2 इंटीग्रेशन. इसको सॉल्व करते हैं, माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस का x या प्लस का x, माइनस का कितना 1, और ये dx बेटा ये हो जाएगा माइनस का 1/2 टी की पावर कितना 3/2 अपॉन में कितना 3/2, 2 से 2 काट दो, प्लस का कितना 1/2 इंटीग्रेशन रूट ओवर. इसको बेटा वही सेम काम, एक्स का कोफिशिएंट 1 इसके आधे का होल स्क्वायर ऐड किया और आधे का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस का कितना 1, और ये कितना टोटल होल सोल dx, ये 2 है. यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 1/3 टी की पावर कितना 3/2, टी की वैल्यू बाद में प्लेस कर देते हैं अभी, 1/2 इंटीग्रेशन रूट, ये कितना आएगा 1/4 और ये माइनस 1, वही सेम 5/4. तो बेटा 5/4 को आगे ले लो, क्योंकि माइनस को तो अंदर भेजना है मुझे कैसे भी करके, क्यों, क्योंकि माइनस रूट में तो रहता नहीं, इमेजरी बन जाएगा. तो बस वही काम करो, क्या किया एक सेकेंड, क्या किया ये रूट इसको लिख दिया बेटा 5/2 का कितना होल स्क्वायर, माइनस का इसको कर दिया बेटा एक्स प्लस 1/2 का कितना होल स्क्वायर, और यहाँ कितना dx, यहाँ कितना dx, यहाँ कर रहा हूँ ऐसे खिड़की बनानी पड़ती है. माइनस का आंसर, माइनस का 1/2 टी की वैल्यू, टी वैल्यू ये 1 माइनस का एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, प्लस का कितना 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू अंडर द रूट ऑफ 5/4 माइनस एक्स प्लस बेटा कितना 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस प्लस ए स्क्वायर बाय कितना 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स प्लस का कितना बेटा 1/2 बाय ए, ए मतलब रूट 5/2. तो बेटा अब ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, माइनस का 1/2, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2, प्लस का कितना 1/2, अंदर जाओगे ब्रैकेट में एलसीएम लो 2x प्लस का 1, तो 2x प्लस का 1 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, 2x प्लस का 1 तो ये रहा, अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस का ये बेटा 2x प्लस के 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 को अपॉन में कितना आएगा 4, 4 आएगा तो उसको 2 करके बाहर कर दिया, यस और नो, दोनों का आएगा 2 बाहर कर दिया, प्लस का कितना बेटा 5/8 साइन इनवर्स एलसीएम ले लो 2x प्लस का 1 अपॉन में कितना रूट 5, 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट प्लस का, इज इट ओके, दैट्स मच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और ये अपन ने आज एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल को डिस्कस किया, आई थिंक सो बहुत अच्छा समझ आया होगा. नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बायपार्ट को डिस्कस करेंगे. अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो, आई थिंक ये सबने कर लिया है, इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर होमवर्क के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब लोग ट्राई करना बेटा कि वाकई में क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है, इरेज ऑन लाइक. पहला डीवाई, फर्स्ट डीवाई क्वेश्चन है आपके पास, क्या पहला इंटीग्रेशन 2x माइनस का 5 अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस का कितना 3x माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, और ये कितना dx. सेकेंड वन इंटीग्रेशन x प्लस का 1 अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, और ये कितना dx. डू योर सेल्फ ओनली, अच्छे से करो, कमेंट करके आंसर जरूर बताना, कमेंट में व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो डिस्कस कर सकते हो, आस्क रियली, आई एम हियर, नेवर फेल. और एक फंडा, आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूँ और उसको बिल्कुल प्रॉपर कर सकता हूँ, इसको अच्छे से याद रखो जिंदगी में, डेफिनेटली हर क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे. टिल देन बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलेंगे.
बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो चीज अपन डिस्कस करने में वाले हैं वो है हमारा बायपार्ट का फॉर्मूला, इसके बेसिस के पैटर्न क्वेश्चन और इसकी बेसिस के ट्रिक डिस्कस करूंगा। तो स्टे ट्यून, अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको बायपार्ट वाले क्वेश्चन की ट्रिक भी मिल जाए, एक स्टेप में आंसर कैसे निकालते हैं और मेथड से कैसे निकालते हैं। टिल देन बाय एवरीवन।